दोस्तों इंडियन रेलवेज 2050 तक अपने फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के शेयर को करंट 28% से बढ़ाकर 44% तक इंक्रीज करना चाहती है, जिसके लिए फ्रेट लोकोमोटिव्स की फ्लीट को बढ़ाने के साथ साथ फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कंटेनर्स और वैगन्स का इस्तेमाल होता है उनके डिजाइन को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। और अब इसी दिशा में रेलवेज की तरफ से नई डिजाइन वाले 25 टन एक्सल लोड फ्लैट वैगन्स को रोल आउट कर दिया गया है, जिसके 48 वैगन्स वाले पहले रेक को कोलकाता के क्लीव वर्क्स में हरी झंडी दिखाई गई है। इन वैगन्स के बारे में बात करें तो ब्रेथवेट एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने न्यू BLSS वैगन्स को डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया है, जिन्हें स्पाइन कार्स के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा BLSS वैगन्स मजबूत होने के साथ साथ काफी हल्के भी होंगे, जिसकी वजह से मौजूदा 45 वैगन्स की जो एक रेक है तो अब उसमें 3 और एडिशनल वैगन्स को अटैच किया जा सकता है, जिससे ओवरऑल जो कैरिंग कैपेसिटी है उसे 7.4% तक इंक्रीज किया गया है, जिसके चलते फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती डिमांड को देखते हुए अब कंटेनर्स में और भी ज्यादा सामान को लोड किया जा सकता है। 25 टन एक्सल लोड फ्लैट कार्स का इस्तेमाल ज्यादातर इंटर मॉडल कंटेनर्स और ट्रेलर्स को ले जाने के लिए होता है। पुरानी बोगीज की बात करें तो फिलहाल बोगीज में BLCM और BLCS पर बेस्ड लो प्लेटफॉर्म वैगन्स लगे हुए हैं, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर रेक में एक वैगन खराब होता है तो 5 वैगन्स के पूरे मॉड्यूल को अलग करना पड़ता है, लेकिन अब न्यूली डिजाइन BLSS वैगन्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगी। न्यूली डिजाइन वैगन्स के पहले रेक को 22 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मैन्युफैक्चर किया गया है। इन वैगन्स की मदद से फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन को और भी फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा, क्योंकि ये हर तरह के कंटेनर्स को कैरी करने में सक्षम है और इनमें मेटल स्क्रैप, प्रोसेस्ड फूड, हैंडीक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, राइस और भी कई तरह के फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो दोस्तों इस पे आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।